हेलो स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री इन ए सिलीकन ट्रांजिस्टर चेंज ऑफ सेवन पॉइंट एट नाइन मिली एम्पियर इन द ए करंट यानी अमीटर करंट का चेंज डेल्टा आई ई हमें यहाँ पे गिवन है सेवन पॉइंट एट नाइन प्रोड्यूस ए चेंज ऑफ सेवन पॉइंट एट मिली एम्पियर इन द कोलेक्टर करंट डेल्टा आई सी कितना है सेवन पॉइंट एट मिली एम्पियर तो गिवन है यहाँ पे हमें एक तो डेल्टा आई ई अमीटर करंट सेवन पॉइंट एट नाइन मिली एमपियर और दूसरा है चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा आई सी सेवन पॉइंट एट मिली एमपियर क्या फाइंड आउट करना है व्हाट चेंज इन द बेस करंट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन इक्वल चेंज इन द कलेक्टर करंट यानी चेंज इन बेस करंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है डेल्टा आई बी इसका हमें नहीं पता ये हमें फ़ाइंड आउट करना है तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक तो डेल्टा आई सी और डेल्टा आई ई क्लियर तो अब यहाँ पे अगर हम लिखे करंट गेन ए करंट गेन क्या होता है अल्फ़ा ए -सी. वो होता है हमारा चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट आई क्लियर तो डेल्टा आई सी की वैल्यू है सेवन पॉइंट एट और इसकी है सेवन पॉइंट एट नाइन तो इनको डिवाइड करके अगर सोल्व करते हैं तो सोल्व करके हमारा आंसर है जीरो पॉइंट नाइन एट 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 सिक्स क्लियर अब देखो अल्फा हमने फाइंड आउट कर लिया क्लियर हमें फ़ाइंड आउट करना है चेंज इन बेस करंट तो चेंज इन बेस करंट हमारा आएगा अगर हम बीटा ए सी यहाँ पर फाइंड आउट करें क्योंकि तो बीटा ए सी का फॉर्मूला क्या होता है बीटा ए सी का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट क्लियर किसके अंदर होता है है मीटर के अंदर तो डेल्टा आई बी हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तो बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा क्लियर तो बीटा फाइंड आउट करते हैं पहले बीटा ए सी इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा डिवाइड बाई वन माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा में ये रिलेशन है तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो ज़ीरो पॉइंट नाइन एट एट सिक्स अपॉन वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन एट एट सिक्स और इसको सोल्व करते हैं इसको वन में से माइनस करो और फिर डिवाइड कर दो सोल्व करके आया एट्टी सिक्स पॉइंट सेवन टू अब करते हैं यहाँ पे हम डेल्टा आई बी फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा आई बी हमारा हो जाएगा डेल्टा आई सी अपॉन बीटा क्लियर और डेल्टा आई सी तो हमें गिवन है यहाँ पे सेवन पॉइंट एट और बीटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है एट्टी सिक्स सेवन टू तो इसको सोल्व करके आ जाएगा हमारा डेल्टा आई बी तो स्टूडेंट इसको सोल्व कर लेना सोल्व करके आएगा हमारा एट्टी नाइन पॉइंट नाइन फोर इन टेन एस्ट पावर माइनस थ्री मिली एमपियर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर इन ए ट्रांजिस्टर द वैल्यू ऑफ अलफाइज जीरो पॉइंट नाइन फाइन द वैल्यू ऑफ बीटा तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए बीटा इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइड बाय वन माइनस अल्फ़ा तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो सिंपली और हमारा आंसर आ जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन तो ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट नाइन अपॉन इसको माइनस कर दो वन में से ज़ीरो पॉइंट वन और ये आ जाएगा नाइन तो बीटा की वैल्यू आ गई नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इन एन एन पी एन ट्रांजिस्टर कोलेक्टर करंट इज टेन मिली एम इफ़ नाइनटी परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड रीच द कोलेक्टर फाइंड द बेस करंट एंड कोलेक्टर करंट तो देखो यहाँ पे नाइनटी परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड रीच द कोलेक्टर यानी नाइन्टी परसेंट ऑफ एमिटर करंट जो है वो क्या है कोलेक्टर करंट है हमारा यानी यहाँ पे जो कोलेक्टर करंट है यहाँ पे ये समझने की बात है इन्होंने कहा कि नाइन्टी परसेंट इलेक्ट्रॉन जो है कोलेक्टर के अंदर चले गई तो उन्होंने कौन सा करंट बनाया कलेक्टर करंट तो वो क्या है नाइन्टी परसेंट ऑफ एमीटर करंट क्लियर एमीटर करंट का जो नाइन्टी परसेंट पार्ट है वो कलेक्टर करंट में चेंज होगा और जो एमीटर करंट का जो टेन परसेंट बच गया वो हो गया बेस करंट यानी टेन परसेंट ऑफ आई ई क्लियर तो पहले फाइंड आउट करते हैं आई सी ये हो गया हमारा नाइन्टी परसेंट है तो नाइन्टी बाई हंड्रेड लिख सकते हैं इसको और देखो आई ई कितना गिवन है आई ई तो गिवन नहीं है यहाँ पे टेन मिली एमपियर यहाँ सॉरी ये कलेक्टर करंट गिवन है टेन मिली एमपियर का कलेक्टर करंट यहाँ पे गिवन है तो लिख सकते हैं हमें फाइंड आउट करना है आई ई तो ये हंड्रेड उधर चला जाएगा हंड्रेड बाई नाइन्टी इंटू आई सी क्लियर आई सी की वैल्यू गिवन है हंड्रेड बाई नाइन्टी इंटू कितनी है वैल्यू टेन मिली एमपियर तो टेन मिली एम्पियर पुट कर देते हैं यहाँ पे ये यह हो जाएगा हमारा आंसर आ गया डिवाइड करके आएगा इलेवन पॉइंट वन 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 आता रहेगा तो वन वन मिली एम्पियर क्लियर अब फाइंड आउट करते हैं बेस करंट तो बेस करंट हमारा हो जाएगा टेन परसेंट ऑफ आई ई इट मीन्स टेन बाई हंड्रेड इंटू आई ई कितना आया इलेवन पॉइंट इलेवन पुट कर दो यहाँ पे तो ये हो गया हमारा पॉइंट हटा दो ये हो गया वन 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 अपॉन थाउजेंड आ जाएगा क्लियर यानी कि वन पॉइंट वन 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 मिली एमपियर ये आ गया हमारा यहाँ पे बेस करंट क्लियर बहुत ही सिंपल सा मेडिकल है ओके